बहुत ही गंभीर समस्या देश के सामने और लोकतंत्र के सामने पश्चिम बंगाल में उभर के आ रही है। मुझे लगता है जिस प्रकार से त्रिपुरा में लगभग शून्य से लेकर सीधा 51% तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा और पूरी तरीके से वहां पे सरकार को लोगों ने नकारा, लेफ्ट गवर्नमेंट को वहां से भाग किया और भारतीय जनता पार्टी को पूरा वर्चस्व दिया राज्य सरकार को संभालने को। इसी प्रकार से शायद पश्चिम बंगाल में भी आज ममता दीदी को चित्र उभरता हुआ स्पष्ट सामने दिख रहा है। वो डर गई है, ममता दीदी आज डर गई है, उनको साफ दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वर्चस्व, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लोगों के बीच लगाव, लोकप्रियता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के लगभग हर कार्यक्रम में रोड़े अटकाने की, तकलीफें डालने की, अड़चने डालने की पूरी प्रयत्न में पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से जुट गई है। वैसे देखो तो हम रैली के लिए परमिशन मांगते हैं, रैली नहीं होने देते, हम यात्रा निकालना चाहते हैं, यात्रा को रोक दिया जाता है, माननीय अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर तक को उतरने की परमिशन के लिए हर प्रकार की अड़चन डाली जाती है, नहीं यहां नहीं उतार सकते, वहां उतारो, वहां नहीं उतार सकते तीसरी जगह उतारो। अब सभा स्थान एक जगह पे मांडा में कल है, कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मांडा में जनसभा को संबोधित करने जा रहे, बगल में हवाई अड्डे पे चॉपर की लैंडिंग स्ट्रिप है, कह दिया जाता है वहां पे रिपेयर का काम चल रहा है, हम चॉपर अलाउ नहीं करेंगे। मैं तो अभी भी देख रहा था एक समाचार वेबसाइट में, उसका पूरा चित्र भी दिखाया गया और एकदम क्लियर हेलीपैड की साइट है, कोई अड़चन नहीं है, कोई रिपेयर का काम नहीं चल रहा, पूरा क्लीन है एरिया वहां पे। और हाल ही में थोड़े दिन पहले ममता जी का भी हेलीकॉप्टर वहां हुआ है, लेकिन अमित शाह जी के हेलीकॉप्टर का इतना खौफ है और मैं समझता हूं ये खौफ बार बार देखने को मिल रहा है, ये डर तृणमूल कांग्रेस का और ममता दीदी का स्पष्ट हो रहा है। जिस प्रकार से वहां पे राजनीतिक हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से वहां जब लोकल बॉडी के चुनाव थे कैंडिडेट्स को अपना नामांकन पत्र नहीं भरने दिया, नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया, जिस प्रकार से दिन दहाड़े हत्याएं पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हो रही है, हमने बाइक रैली निकालने की रिक्वेस्ट करी, उसको नामंजूर कर दिया हमारे युवा शक्ति को, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बाइक रैली की परमिशन नहीं दी, उल्टे कलकत्ता हाईकोर्ट को राज्य सरकार को आड़े लेना पड़ा, सवाल पूछना पड़ा कि भाई क्यों मना कर रहे हो, एक बाइक रैली निकाल रहे, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आखिर कानून व्यवस्था राज्य सरकार का काम है। पीछे पंचायत चुनाव में 36 भाजपा के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याएं हुई, लगभग 1300 से अधिक लोग इंजर हुए और पूरे राजनीतिक हत्याएं देखे तो उस दौरान 80 लोगों की राजनीतिक हत्या, किस प्रकार की कानून व्यवस्था आज पश्चिम बंगाल में चल रही है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से ये 7 साल का शासन तृणमूल कांग्रेस और ममता बैनर्जी जी का रहा है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि वहां पे एक प्रकार से पूरी कानून व्यवस्था काबू के बाहर है। शायद बंदूकों के और डंडों के जोर पर राजनीति चलाने की अधीन हो गई है वहां की सरकार, वहां के राजनीतिक दल, और हमें सबक सिखाने की कोशिश होती है लोकतांत्रिक मूल्यों पर। पर मैं पूछना चाहूंगा कि ये जितने मित्र दल इकट्ठे हुए थे
उनको आज वहां की लोकतांत्रिक परंपरा ध्वस्त हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेस क्या कहना चाहती है वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर? वैसे तो अगर हमारी सरकार कोई राजनीतिक दल के इतने वरिष्ठ नेता की रैली ना होने दे तो पूरे देश में बवाल मच जाएगा इंटॉलरेंस का। मुझे तो शक है मीडिया के भी हमारे भाई बहन शायद मुझे और हमको छोड़ेंगे नहीं, इंटॉलरेंस का पूरा लेबल लगा देंगे कि आपने रैली नहीं होने दी, आपने पब्लिक मीटिंग नहीं होने दी। और यहां तो बार बार अड़चने लगाई जा रही है, ना हमारी यात्रा निकालने दी जा रही है, ना रैली होने दी जा रही है। जब बहुत प्रेशर आता है, पब्लिक प्रेशर आता है, तब बड़ी मुश्किल से एंड वक्त पे फिर सरकार यू टर्न करके परमिशन देती है उस उम्मीद में कि शायद अब इतनी देर हो गई कि जनता ना पहुंच पाए। पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, आज पश्चिम बंगाल की जनता पूरी तरीके से राज्य सरकार की नाकामियों से परेशान है, दुखी है और मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत देके इस आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में विजयी बनाएगी। मैं समझता हूं तृणमूल कांग्रेस ने त्रिपुरा का जो हाल हुआ वो अब पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी बड़े रूप में उभर गई है, उभर रही है। लोग अलग अलग पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ तेज गति से आकर्षित हो रहे हैं और ये जो नीति है जहां पे दुर्गा पूजा भी नहीं करी जा सकती है, ना कोई पॉलिटिकल रैली करी जा सकती है, ना सरस्वती पूजा या रामनवमी के ऊपर परमिशन देने की स्थिति में है सरकार, ये दर्शाता है पूरी तरीके से फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। और पश्चिम बंगाल की सरकार को, जनता को इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जनता इसका पूर्ण रूप से हिसाब आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी से जरूर मांगेगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है। कल मालडा में माननीय अमित शाह जी की जनसभा होगी और भारी संख्या में वहां पे जन सैलाब आने वाला है। मुकाबला करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष होगा और लोकतांत्रिक शक्तियों को और प्रबल और मजबूत बनाने के लिए मुझे विश्वास है अपने बंगाल के भाइयों बहनों पे कि वो किसी भी प्रकार के दिक्कतें सह के भी इस प्रकार के अन्याय को का सामना करेगी और अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।